दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इसरो के कुछ वैकेंसीज आई हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल और 10th ITI वाले साथ में कुछ मेडिकल की पोस्टें हैं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मतलब सिंपल 10th पास अप्लाई नहीं कर पाएगा, सिंपल 12th पास भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर पाएंगे और 10th प्लस ITI जो किए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में जो BTEC किए हैं या फिर मेडिकल का कोर्स किए हैं कोई तो वो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए, इसरो में काम करना ना पैसा कमाना नहीं, इज्जत कमाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इसरो में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको फीलिंग होगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, कुछ नंबर से रह गया था। चलिए देखते हैं। तो इसरो इसका वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, करंट अपॉर्चुनिटी, और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका लास्ट डेट बड़ा है। ठीक है, पहले लास्ट डेट वगैरह दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ये देख लीजिए, अगर आप ये फॉर्म 23 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये आपका काम देगा, क्योंकि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 23 अक्टूबर है। ठीक है, कब है लास्ट डेट? 23 अक्टूबर। और कहाँ गया ये डेट आपका लिखा हुआ भी है? ये रहा, मतलब यहाँ पे फॉर्म पहले कम डेट था, फिर डेट में बाद में बढ़ाया गया, ये देखिए। ठीक है, 23/10/2024 तक बढ़ा दी गई क्योंकि फॉर्म यहाँ पे नहीं सबमिट हुए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ से हम लोग देख लिए, डेट एक्सटेंड, और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहीं से आपको पता चलेगा वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, इसरो, सबको नाम सुना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है विमानन चिकित्सा, इसमें एक सीट है और ये आपका क्वालिफिकेशन है MBBS की डिग्री। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट मेडिसिन, इसमें आपका MBBS की डिग्री और साथ में ये आपका क्वालिफिकेशन मांग गया है। आगे देखते हैं। तो चिकित्सा अधिकारी यानी कि MO मेडिकल ऑफिसर, इसमें आपकी एक सीट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे संरचनात्मक डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर डिजाइन, इसमें आपकी एक सीट है। इसमें बोला गया है BE BTEC होना चाहिए और पात्रता, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा MEMTECH इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 5 नंबर पोस्ट में दो गो है, इसमें भी MEMTECH मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे सुरक्षा विश्वसनीय इंजीनियरिंग, और इसमें भी MEMTECH मांगा गया है। आगे देखते हैं। तो इसमें भी पोस्ट नंबर 7 में भी आपका 3 सीट है, इसमें भी ME और MTECH क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पोस्ट नंबर 8 में सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, इसमें भी MEMTECH मांगा गया है। अरे यार, और भी बहुत सारा पोस्ट है। 9 नंबर में एक सीट है, इसमें आपका तापीय इंजीनियरिंग यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें भी ME या MTECH मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, अब आपका दूसरा फेज शुरू होता है जो पोस्ट नंबर 10, इसमें मैकेनिकल वाला है और मैकेनिकल के 13 सीट है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिएगा, लिखित परीक्षा होगा प्लस कौशल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और ये आपका सीट्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्या है, पोस्ट नंबर 11 में 11 को सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें बोला गया है आपका क्वालिफिकेशन कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड, और इसका भी सिलेक्शन एग्जाम बेसिस पे होगा। देन आपका इलेक्ट्रिकल का पोस्ट, इसमें आपके 2 सीटें हैं, बोला गया है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 13 नंबर पोस्ट में आपका फोटोग्राफी, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 14 नंबर पोस्ट है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी का सीट है एगो, और इसमें बोला गया है कि BSc किए हो माइक्रोबायोलॉजी से। आगे देख लेते हैं। तो पोस्ट नंबर 15, ठीक है, और यहाँ पे फिटर का शुरू होता है, पोस्ट टोटल 22 गो है। ठीक है, 22 सीट है। इसमें बोला गया है कि आप सिंपली मैट्रिक पास हो प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, किसमें, तो फिटर ट्रेड में, और इसका भी सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। ठीक है, टोटल सीट कितने हैं, 22। आगे देखते हैं पोस्ट नंबर 16, इसमें है आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें आपका बोला गया है कि मैट्रिक प्लस ITI किए हो। ठीक है, किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, और इसका भी सिलेक्शन एग्जाम बेसिस पे होगा। टोटल सीट इसमें 12 है। आगे देखते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे AC एंड रेफ्रिजरेटर
कि इसमें बोला गया है कि मैट्रिक प्लस आईटीआई पास। ट्रेड में यहाँ पे बोला गया है कि आपका ट्रेड यही होना चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेशन ट्रेड ही होना चाहिए। आगे देखते हैं तो वेल्डर की सीट है दो गो, इसमें बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास प्लस आईटीआई और ट्रेड वेल्डर ही होना चाहिए। फिर मशीनिस्ट का एक सीट है, इसमें भी आपका मैट्रिक आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रिकल का सीट है तीन गो, और इसमें बस आईटीआई और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, ठीक है, टर्नर 10 प्लस आईटीआई टर्नर ट्रेड से। ग्राइंडर में भी आपका वही है सेम आईटीआई हो ग्राइंडर से। और आगे देख लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यानी कि नक्शा नवीन मैकेनिक, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आप आईटीआई किए हो ड्राफ्टमैन से। नेक्स्ट देख लेते हैं तो 24 नंबर पोस्ट है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल, और इसमें बोला गया है कि आपका मैट्रिक हो प्लस आईटीआई मांगा गया है इसी ट्रेड से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पोस्ट नंबर 25, एकमात्र सीट है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, प्लेन ग्रेजुएशन असिस्टेंट राजभाषा, इसमें चार को सीट है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि सिंपली आप सिंपल ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, और 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर है आपका असिस्टेंट राजभाषा वन, ठीक है, मतलब ये दोनों राजभाषा है, इसमें आपको देखना है असिस्टेंट राजभाषा, ये पोस्ट कोड 4 है, एक मिनट, पोस्ट कोड ये 25 है, नंबर ऑफ सीट्स 4 है इसमें, ठीक है, और ये पोस्ट कोड 26 है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 1 है, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम ग्रेजुएशन प्लस 60% मार्क्स, ये आपका बेंगलुरु के लिए है, और ये जो है आपका मतलब इंस्टीट्यूट अलग अलग है, ठीक है, इसरो के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है तो उसी में से। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो फॉर्म अप्लाई के बारे में और वगैरह फीस वगैरह, तो यहाँ पे देखिए सैलरी वगैरह सब कुछ दिया है, ठीक है। फॉर्म फीस हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सैलरी देखिए, इसरो में काम कीजिएगा, सैलरी का टेंशन मत लीजिए, और कभी भी बोलिएगा ना कि हम इसरो में काम करते हैं, आदमी सोचेगा वैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए, जो भी है इसरो बहुत मतलब बहुत रेपुटेड है यार, बहुत इसका तुलना ही नहीं किया जा सकता है इसके, इतना मतलब क्या बताएं, बहुत ज्यादा आदमी इसका फैन है, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए पोस्ट कोड 114 तक को ₹250 देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका टीए भी दिया जाएगा ₹750 भुगतान करना होगा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में, मतलब कुल मिला के ₹1000, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद आपको कुछ पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। 750 उन्हीं अभ्यर्थियों को पूरा रिफंड किया जाएगा जिन्होंने आवेदन शुल्क महिला एसटीएससी और भूतपूर्व सैनिक से छूट दी गई है, ठीक है, और एग्जाम देने के बाद जो है कुछ पैसा वापस कर दिया जाएगा। बाकी देखिए पोस्ट नंबर 1526 के लिए ₹100 गैर वापसी, मतलब इतना ₹100 आपको वापस नहीं किया जाएगा। साथ में बोला गया है हालांकि शुरुआत में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ₹500 देना पड़ेगा, ठीक है, भुगतान करना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित जो लोग होंगे, जो लोग एग्जाम में अपियर होंगे, उनको जो है ₹500 रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब अभी आपसे ₹600 लिया जाएगा, ₹100 रिटर्न नहीं किया जाएगा, ₹500 जो लिया जाएगा ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों नहीं हमें, देखिए प्रीवियस ईयर में मतलब 2023 में हमने फॉर्म भरा था इसरो का, कलकत्ता सेंटर दिया था, उस टाइम भी क्या हुआ कि ₹100 फॉर्म था तो बहुत सारा आदमी ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, जिसके कारण भीड़ बढ़ गया। अब क्या है कि ₹500 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ताकि भीड़ ना हो, ठीक है, तो कलकत्ता सेंटर देता है भाई इसरो का, हालांकि इस बार सेंटर आपको रांची देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, मतलब रांची सॉरी, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको अपने स्टेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए चयन का प्रोसेस दिया, सिलेक्शन प्रोसेस, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा वो चीज आपको देखना है, ठीक है, तो सबका अलग अलग है, प्राइसिंग पास का जो क्राइटेरिया रहता है, और इसरो का क्वेश्चन देखिएगा ना यूपीएससी फेल है, मजाक नहीं बोल रहा, यूपीएससी फेल हो जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा टाइमिंग रहता है, और 52 पेज का पीडीएफ था हम लोग के टाइम में जब मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम सेंटर है, ठीक है, हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि झारखंड में भी आपको यहाँ पे रांची देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा 17 नंबर में, क्योंकि मेरे मैक्सिमम व्यूअर झारखंड से हैं। अब देख लेते हैं तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं इस वीडियो में देख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल, गूगल में लिखना है इसरो, ठीक है, आई एस
आर ओ सिंपली लिख के आपको सर्च मारना है गूगल में, मोबाइल से भी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए कैरियर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कोरिजेंडम लिखा हुआ रहेगा और न्यू ऊपर में आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा इस पर तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट लिंक टू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, HTTP जो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके पे क्लिक कीजिएगा और ये आप आ जाइएगा पेज पे। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पढ़ लीजिएगा ठीक है अच्छे से एक बार। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है टू रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक है टू रजिस्टर पे, और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका मोबाइल से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पोस्ट कोड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका पोस्ट है पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, टोटल 26 को पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर दोबारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे एग्री करके इस पर कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है फिर से पेज पे आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपको फिर से जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे डालना होगा और पासवर्ड भी आ जाएगा, उसको डालना होगा, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कीजिएगा। और बस जैसा कि फॉर्म होता है सब कुछ डाल के आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करके इस फॉर्म को कम्प्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्टली लिंक दे दूंगा आपको यहाँ का। ठीक है, यहाँ का लिंक दे दूंगा, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, इसरो में जॉब लगना ना, बहुत बता रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत, जितना सोच नहीं सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।